हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदा। यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास रीकनेक्ट का इन्वर्टर एसी और उसमें E6 करके एरर आ रहा है तो E6 एरर क्यों आता है, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज एसी मशीन में, कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है गाइस, जाइए उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे रीकनेक्ट इन्वर्टर एसी में अगर E6 करके एरर आता है तो वो एरर है गाइस आपका इंडोर मेन पीसीबी जो है उसका वो प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपकी जो हाई वोल्टेज की वजह से इंडोर की पीसीबी की जो आईसी है वो पूरी डेड हो गई है और उस वजह से ये एरर आ रहा है। तो इसमें आपको करना आप यही कर सकते हैं, या तो आप इंडोर पीसीबी को आप रिपेयर करा के देखें, अगर रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, ये एरर हट जाएगा। अगर पीसीबी रिपेयर नहीं होती तो आपको इंडोर पीसीबी बदलना होगा। इंडोर पीसीबी बदलने के बाद ये E6 वाला जो एरर है पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।